जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी ना यार मैं इधर आया था, दूसरे जा रहे तो इनके पास अभी पानी वगैरह दूर निकलने लग गए ना, वो वहाँ पर खोद के दरख्त को भी दिया है पानी, यहाँ पर भी दिया है। ये बाजरा वगैरह फेंका हुआ इनके लिए, ये प्रॉपर साफ सूफ करके बैठे थे। तकरीबन टाइम हो रहा है कोई दोपहर का टाइम हो रहा है, एक डेढ़ दोपहर हुई है अभी, तो मैं अभी आया धूप या मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, दो दिन से ना अच्छा खासा बेहतर हो गया। मैं कहा शायद डोग लाऊंगा उसके लिए सही मुसीबत बनेगी, बाकी नहीं बनी इतनी, तो धूप वगैरह निकले, मौसम देख लो कितना सही ज़बरदस्त हो गया। बाकी यार आज की जो रूटीन होगी आपको दिखा दूँगा, आज आपको उससे भी मिलवाऊँगा, ठीक हो गया। तो इनका इसका उसका नेम भी रखना फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी है क्योंकि जब इसकी वैक्सीनेशन, इसको इंजेक्शन लगवाने ना, वैक्सीनेशन करवानी है इसकी, तो वहाँ पर इसका सर्टिफिकेट बनता है इसके नेम का। अंडे दे रही हैं एक एक दिन छोड़ के, ये अब फीड लेके तो दूसरी क्या नाम कहते हैं अंडे वाली, वो देते हैं उनको, उनसे होता है वो, शायद उसी वजह से पहले एग दे रही थी। बाकी उन्होंने यार पता नहीं कब ब्रीड पर रहना, उनका वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके अंडे तो बच्चे तो मैंने निकलवाने हैं। बाकी ये मौसम है, धूप देख लें, फैसलाबाद का मौसम है ये, देख लें भाई। अभी मैं आया था इस घर, वो ये गंदम वगैरह लेने, तो मैंने कहा गंदम लेके मतलब दाना वगैरह लेके चलते हैं। मैंने देखा ना मेल आगे से काफी बड़ा हुआ है, और आई ये थोड़ा वाइट हो गया, आई थोड़ा क्लोया 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 थोड़ा डाल दिया ना, मैंने निशानी ये वाइट आपको बताया था, मैंने वो वीडियो देना लिंक दिया, मैंने लिंक तुम्हें डाल दूंगा कि इसकी अभी डॉग वगैरह भी आ गया, ठीक हो गया ना। अभी इसकी जो सिबलिंग है वो नहीं मैं लेके आऊँगा, मैं रहते थे। अब एक ही पे मैंने इनके छत डलवानी है, और छत का सेटअप करते हैं, कुछ एक दो मंथ में इनका सेटअप कर देते हैं, उनको भी रखना है साथ, देखो क्या हिसाब लगता है। बाकी लेके चलते हैं बाजार, तो चलते हैं। वेलकम बैक भाइयों, अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये देखे धूप से कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है, मौसम फैसलाबाद हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। बाकी मैंने ऐसा दाखा दाना देने, ये भाई पूरा मुर्गा बन गया, ठीक हो गया ना, जैसे वो बड़ी मुर्गियां ना, बड़ी मुर्गियां ये मतलब उस एज पे पहुंच गई हैं, ठीक हो गया ना, मतलब बस साइज इनका इतना ही रहना है। दाना लगाए, अब ये भी दो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, मैं समझा हड्डी बना के देता हूँ, ठीक है। बाहर का परचेज करना, मैं ना बाजरा और मकई ले आता हूँ पीसी, ठीक है, गंदम करके अपनी जाती है, ये बड़ा अलग शुक्र है। बाकी वो मिक्सिंग वगैरह करके मैं इन्हें दे देता हूँ, ये देखे ना खा रहे हैं, कभी कभार काले चने भी अंदर डाल देता हूँ बॉइल, चेक करें। बाकी अभी चलते हैं, अभी मैंने जाना थोड़ा काम, हम पता नहीं किधर किधर जाते हैं, कोई चीज़ें भी देखनी है, प्रॉपर्टी भी देखनी है, तो निकलता हूँ मैं, तो रास्ते में आपको दिखा देता हूँ किधर किधर जा रहे हैं, बाकी चलते हैं इंशाल्लाह।
मैं वेल लो पर्ल वाइट ये तू कैसे पेपरिंग कराई है कि नहीं हाँ भैया अंदरों वेख नहीं वो तो है ही पर्ल वाइट कलर वेखो और
अभी बस इसके दो काम है, सोना है, खाना है, सोना है, तो वाशरूम करना है बस। चेक कर टी दिखा लो सर, वो फैमिली को टी दिखा अपने। अरे ऐसे सीरी लैक देते हैं हम अभी बेबी के हिसाब से, मतलब लगा लो कि इंसानी बच्चों वाला हिसाब ही इसका। नो 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 नहीं रंदा नो बेबी है, मर जाएगा जिदा तू रो ना आ बेबी दे नाल। ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਫੜੇ 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 यार मैं आपको यही बता रहा था कि ये अभी छोटे, मतलब लगा लो ना कुछ दिन पहले पैदा हुए बेबी, इनका इसी तरह मतलब टेम्परेचर में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ठीक होगा ना, छोटी सी जान है, टेम्परेचर पर कंट्रोल ना रखो या जान मर जाती है। ठीक होगा ना, फिर एक लगा लो कि भैया आपने ऊपर भी जवाब देना कि आपकी वजह से ये डेथ हुई है। बाकी मैं दिखाने लगा था आपको कैसे रखा हुआ इसे मैंने, ये देख चेक कर, कुछ सारा रखा कवर करके पूरे।